में ब्लेसिंग मिल रही है। मैं परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि इस समय मेरे प्रभु जी जो मेरे हाथों की तरफ देखें, इसी समय परमेश्वर मेरे हाथों के ऊपर से वो शाइनिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी गुड न्यूज़ आने पाए परमेश्वर। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से बहन मुझे देख रही है, उसके टांगों में, उसके शरीर में, नसों में, हड्डियों में प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई पुलिस में जॉब करते हैं, कोई रिटायर हो गए, उसके एक साइड में गर्दन से लेकर कमर तक कुछ प्रॉब्लम है, और आज तुम्हारा चंगाई का पहला दिन होगा और 3 दिन के अंदर तुम ठीक हो जाओगे। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आए आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, किडनियों में प्रॉब्लम है, इसी समय शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम, क्योंकि मुझे नेपाल से देख रहा है, और इसी समय पास्टर है वो, और इसी समय उसकी ब्रांच बढ़ने के लिए जा रही है। आपको बहुत सारा विरोध सहना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई, लेकिन आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जो पास्टर लोग मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाऊँ, और इसी समय जो इस समय ब्रांच में चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अनॉइंटिंग दे और मेरे को फाइनेंस में बढ़ाए, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, वो धन का अभिषेक इनके ऊपर ट्रांसफर करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम, एक गुड न्यूज़ आने पाए, और इसी समय चंगाई का अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेसिंग दे परमेश्वर, जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में 100 गुना ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ रीटा, तेरा घर टूटने से बच रहा है, मैं क्या फिर कर रहा हूँ, बंधन टूट गए तेरे घर से, इसी समय आज़ाद कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। सिद्धू फैमिली घर की आशीष आपको मिलेगी, मैं फिर कर रहा हूँ कि, और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई कुमार सन्स, ऐसे कुछ कुमार फैमिलियाँ, कोई प्रोजेक्ट डाला हुआ है किसी ने, और कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई बड़े प्रोजेक्ट की डील करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में एल नाम वाले, PRSMNG और H नाम वाले, कोई आपके बड़े प्रोजेक्ट की डील होने वाली हो, कोई प्रॉपर्टी में डील होने वाली हो, कोई घर की, कोई फैक्ट्री की, कोई लोन की, कोई अच्छा काम आपका होने वाला है, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि इस समय कोई पी नाम से खास कर बोल रहा हूँ, कोई वीज़ा लगाने के लिए जा रहा है, अभी थोड़ा वेट कर, प्रॉब्लम है, अभी 1 महीना वेट कर, 2 महीने वेट कर, परमेश्वर देगा, विश्वास कर। मैं से आत्मा में देखता हूँ कि नेहा, मैं होली स्पिरिट से पूछ रहा हूँ, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने आपके ऐसे मैं देख रहा हूँ कि पानी वाली कुछ रसोलियाँ, गिल्टियाँ ऐसे पैदा हो रही हैं, अभी हुई नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है, इसी समय अनॉइंटिंग वाटर पियो, आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे नेपाल से देख रही है और बार बार कह रही मेरे पति का वीज़ा आ जाए, आप प्रेयर कर रहे हो, अभी इसी समय आपने कोई हल्का सा ब्राउन कलर का सूट डाला है, परमेश्वर का आत्मा अभी आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लक्ष्मी, तेरे घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसी समय मैं शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रियान, बीमार थे, इसी समय चंगे हो गए आप, गुड न्यूज़ आ रही है। मैं जो लोगों के सिर से लेकर पैर तक प्रॉब्लम है, इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, यूरिक एसिड बाहर। और इसी समय मैं देख रहा हूँ परमजीत, मैं देख रहा हूँ कि USA में आप के घर में कोई ऐसे कोई आवाज़ें सुनती हैं, आपके घर में किसी को आवाज़ें सुनती हैं, कुछ दिखाई देते हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है, और इसी समय वो शराब तोड़ देता हूँ, भाग जाओ इनके घर से यीशु मसीह के नाम, ऐ गंदी स्पिरिट निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई UK से बहन देख रही है जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, मैं देख रहा हूँ कोई इंग्लैंड से मुझे देख रही है ब्यूटी पार्लर, कोई इटली से मुझे देख रहा हूँ, कोई मकान बनाने का काम करता है, कोई कनाडा से मुझे देख रहा है जो डील करते हैं प्रॉपर्टी की, और कोई मोबाइल का काम करते हैं, काम रुके पड़े हैं, अब से गुड न्यूज़ मिलेगी, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम, फ्री हो जाओ, और इसी समय आशीष खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ H नाम वाले, B नाम वाले, हरप्रीत, भारती, मैं ऐसे देख रहा हूँ अजय, HPBANRST नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर, तो आपके लिए पूरा होगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आई एम इतने एक गवाही सुनेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। मेरा नाम कल्पिता पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं 10 साल से, मेरी एक ही बड़ी बेटी है, बाद में मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, और बाद में मैं चर्च में आके गई, तभी मैंने ऑयल वाटर लगाया और पापा जी बोले कि बच्चे की आशीष, बेटे की आशीष मिलने वाली है। कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको बच्चा नहीं होता आ जाना मेरे चर्च में, आपको बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने रिसीव किया और मैंने की प्रेग्नेंट हूँ, आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। मैं आजम,
कराची पाकिस्तान से, और हमारी फैमिली की ये टेस्टिमनी है। लाइव मीटिंग प्रॉफिट जी की अटेंड कर रहे थे, तो प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की कि सोनिया अदावन नेक्स्ट ईयर आपको बेटा देने जा रहा है। बहन देखती है इसका नाम ऐसे, मैं देखता हूँ ऐसे, सोनिया तेरे पास बेटा नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि तूने बहुत दुख उठा लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अब तेरे लिए रास्ते खोल लूंगा यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद ने हमें बेटे से ब्लेस किया, और हम प्रॉफिट जी की प्रोफेसी को हमने रिसीव किया था, और हम प्रॉफिट जी को सलाम पेश करते हैं। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ, मेरा नाम आशा है। मैं बहुत दिनों से पाइल्स बीमारी से परेशान थी, और यूट्यूब पर आपके द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही थी, मैं उस भविष्यवाणी को विश्वास के साथ रिसीव की। इसी समय बवासीर बाहर जाए, और रिसीव करते ही मैं इस बीमारी से आजाद हो चुकी हूँ। मैं प्रभु येसु को और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। सभी को जय मसीह के। मैं, मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं दिल्ली का हूँ, और मैं जब गुरदासपुर में गया हूँ तो वहाँ क्रॉसिंग मीटिंग अटेंड की थी, और वहाँ मैंने प्रोफेसरी को रिसीव किया। रिसीव करो, कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आशीष ठहरने वाली है तेरे घर में, बरकतें आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और मेरी जॉब गवर्नमेंट सस्पेंड था, वो हमारी वापिस हो गई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ने सुना ये गवाहियां मैं आपको दिखा रहा था कि आप देख रहे थे कि दिल्ली से क्रूसेड में आया गुरदासपुर में, और उसी समय उसके बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। किसी को बेटे की आशीष मिली जो चर्च में आए और प्रार्थना कराई, किसी ने अभिषेक का तेल लगाया और करे कि बवासीर भागी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, उत्तर देता है। ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ इसी समय। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि नरेंद्र और नरेश, आप प्रभु में स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ते जा रहे हो, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको। मैं इसी समय देख रहा हूँ इसी समय के किरण, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसी समय आप किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हो तो इसी समय प्रार्थना करें, परमेश्वर ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है। काफ़ी समय से कोई किराए के मकान पर है, तो मुझे यूपी से देख रहे हैं, और इसी समय किराए के मकान पर है। पवित्र आत्मा आपके अपने मकान बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जो बेटियों को लेकर आप टेंशन में, कुछ लोग या बेटों को लेकर जिनकी मैरिज लाइफ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहे हैं, तीन फैमिली हैं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा आपके लिए। अगला मंथ, नेक्स्ट मंथ सेलिब्रेशन का मंथ होगा, रिश्ते होने के लिए जा रहे हैं जिनकी उम्र बहुत होगी है। कोई बहन मुझे दिल्ली से देख रही है और उसकी उम्र होगी, और वो बार बार कह रही है कि प्रॉफिट मेरे लिए प्रोफेसी कर, अभी आपने बोला, परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ कब आएगा, अगस्त सितंबर सेप्टेम्बर, आपके लिए सेलिब्रेशन का मंथ होगा, जिनके नाम कह रहा है कि बी एन आर एस जी एच के से हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ बी एन आर एस एच के से हैं, उनके लिए सितंबर मंथ सेलिब्रेशन का मंथ होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगी, परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी बहन को बेस्ट में रसोलियाँ हैं, किसी का बच्चा पैरों से चलता नहीं है, और मुझे राजस्थान से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके बच्चे चलते नहीं हैं, जिनको प्रॉब्लम है पैरों में, और जिनके एड़ियन लगती और जो बांझ हैं, मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ। ये संडे आपके लिए हर एक ब्रांच में एप्पल मीटिंग होगी, और कॉइन और एप्पल मीटिंग होगी आपके लिए स्पेशल, और आपके लिए एक स्पेशल सीड मीटिंग। जो लोग बोलते हैं मेरा कर्जा नहीं उतरा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ इस मीटिंग में आपको पहले से तैयार होकर आना है, क्योंकि पौलुस बोलता है, कह रहा है कि तुम कह रहा है कि बोलते हो कि मेरे पास चंदा नहीं है संडे को डालने के लिए, बोलता है तुम पहले से तैयार होकर आया करो। इसका मतलब कि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग बढ़ें, आप लोग कभी भी कह रहे कि चर्च के अंदर बीज डालें, ये याद रखना है, क्योंकि उसको मालूम है बाइबल में लिखा जो कोई बोएगा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर बीज बोने वालों को बढ़ाना चाहता है, तो इसलिए शैतान उनको रोकता है,
और जब आप बीज डालते हैं, कई बार आपके दिमाग में डालता है, कहता है कि नहीं नहीं ये मिनिस्ट्रियाँ खा जाती हैं, आप ये देख रहे हैं कि खाते नहीं हैं, आप जगह जगह लंगर करते हैं, जगह जगह हम ब्रांचें खोल रहे हैं, उनका किराया कोई और नहीं देता, इतना चंदा नहीं आता, उन किरायों हमें भेजना पड़ता है अपनी मिनिस्ट्री से, जो आप बीज बोते हैं उनका किराया हम देते हैं। अगर कोई मिनिस्ट्री खुलवाना चाहता है, वहाँ पर ब्रांच खुलवाना चाहता है किसी भी शहर में, तो आप जाओ पैलेस देखो और हमें बताओ, और जो खुलवाना चाहते हैं कल मैं उनसे खुद बात करूँगा, फिर से आप लिख लो, कल शुक्रवार मैं 4 बजे से उनसे बात करूँगा और 1 घंटा उनसे बात करूँगा, वो अपने नाम लिखवाएं, लेकिन ऐसे नहीं, प्रॉपर अपनी टीम के साथ कि भाई मेरे पास है 100 लोग हैं और मैं ये ब्रांच खुलवाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं उनके लिए प्रेयर करूँगा। अगर आप पास्टर भी हैं, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, तो हमारा लाइव दिखाना होगा, आपको वचन हमारा दिखाना होगा और आप वहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, हमें कोई चंदे की कोई दान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आप आत्माओं को बचाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के कामों के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है परमेश्वर आशीष दे। तो जो लोग इस मीटिंग में आएंगे, स्पेशल बीज मीटिंग में, स्पेशल लव ऑफरिंग की मीटिंग होती है, कभी आपने अपने डैडी को लव ऑफरिंग दी है, कभी माँ बाप पॉकेट मनी देते हैं बच्चों को, किस लिए देते हैं, कि उसके बच्चे खुश हो जाएं, तो उसी समय कह रहा है कि आप परमेश्वर को एक लव ऑफरिंग दे रहे हो। ये संडे हमने एक लव ऑफरिंग का रखा है, जो लोग बोलते हैं कि भाई मेरा कर्जा नहीं उतरता, मैं उन लोगों के लिए गारंटी से कह रहा हूँ, इस मीटिंग में आपको एक स्पेशल बीज के साथ आना है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ, हर संडे आप 10 का नोट बोलते हैं, वो नहीं, वो लोग नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप उन लोगों को सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर बढ़ाता है, कहता है जो बढ़ेगा, बढ़ना चाहेगा उसको बढ़ाएगा, आप बढ़ना ही नहीं चाहते, कहते ले भाई, मेरी दादी ऐसे करती थी, ले 10 करोड़ तू भी ले भाई, 10 करोड़ तू भी ले, तू भी ले, इसके भी हाथ पे रखवाया, इसके भी हाथ पे रखवाया, उठा के गले में डाल दिया, इसका मतलब क्या था, ले भी छुआ दिया सबको, सब ने डाल दिया, हैं सेब डाला तो सेब डाल दिया, ले भी छुआ दिया, क्यों, क्योंकि उसके आधी दर्जन बच्चे थे और 2 लड़कियाँ थी, 8 थे, तो भाई साहब 10 के नोट से सबको छुआ देती थी। मतलब ये क्या है कि अपने बच्चों को सिखाना है, अगर बढ़ना है तो ये इस मीटिंग में आपको आना है, इस मीटिंग में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, आपका बिजनेस नहीं खुल रहा, एक बेस्ट बीज के साथ आना है आपको। हो सकता है आप चर्च के कामों के लिए, क्योंकि हम लेंटर डालना चाहते हैं साल में, जो बेस्ट बीज के साथ आ रहे हैं उनके लिए प्रोफेसी भी होगा, परमेश्वर करेगा भी, जो प्रभु का आत्मा बताएगा बताएंगे, लेकिन आप मिराकल मनी देखोगे, वहीं पर फ़ोन आते देखोगे। इस मीटिंग में आपको, आपने देखा पिछले संडे से 2 संडे मीटिंग में कि लोगों के बीच में मैं गया और परमेश्वर ने उनके जीवन में छुटकारे किए, आपको कह रहा हूँ कि आपके छुटकारे होंगे। ये फाइनेंशियल मीटिंग आपके लिए होगी स्पेशल, कि आप तैयार हैं इस फाइनेंशियल मीटिंग में आने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अपने अगर एप्पल हमारे काउंटर से प्रेयर करके दिया जाएगा, खासकर मैं उन लोगों को बोल दूंगा जो दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम है, जिनको बच्चे नहीं होते, मैं उनको दूंगा, परमेश्वर आशीष दे। और मैंने प्रार्थना करके रखे हैं, आप हमारे काउंटर से लें, परमेश्वर आशीष दे आपको। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी अखिल, इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा कार्तिक, मैं पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय देखता हूँ ऐसे लोगों को कि पवित्र आत्मा जी तो उनको बढ़ाने के लिए जा रहा है, मैं देख रहा हूँ के और इसी समय BSGHN नाम वाले, जे नाम वाले, आप बहुत फैलने के लिए जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता फैलना, मतलब हो सकता है आप, आपका घर छोड़ा हो रहा हो, आपका बिजनेस छोड़ा हो रहा हो, या आप फैल रहे हो, आप किसी भी चीज़ में फैल रहे हैं, या आप कहीं भी अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं और आप दूर जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई साउथ अफ्रीका से मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई पास्टर है, और इसी समय परमेश्वर चाहता है कि उसके ऊपर अनॉइंटिंग को खोले, लेकिन अगर वो ग्रोथ में बढ़े, परमेश्वर के कामों में आगे आए, हेल्प करे किसी न किसी चीज़ के लिए, कह रहा है कुछ न कुछ चीज़ों में वो बहुत डमाडोल है, मतलब कि कुछ काम करने के लिए डरता है, परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है मुझे हिंदी और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूं, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास बैठा और उसको बता रहा है हिंदी में, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। जिस दिन से आप अपने अंदर से डर निकालेंगे, परमेश्वर के कामों में खुलकर बो, खुलकर काम करो, जाओ, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आई यीशु मसीह के नाम में, उसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ ऐसे राजकुमार, राजेश, कुसुम, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ आपके घर बनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपको 2 फ्लैट के साथ आशीषित करेगा। ये हो सकता है 2 कमरे का मकान आपको दे, या फिर 2 फ्लैट दे, आपके साथ ऐसा कुछ होगा, आप फ्लैट लेंगे, आपके साथ एकदम मिराकल होगा, ये परमेश्वर की ओर से होगा। मैं देख रहा हूँ कोई इस समय मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, और इसी समय उसके पैरों के तलवे में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उस शराब को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। और इसी समय अहमदाबाद से मुझे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक भाई ने अभी इसी समय प्रोजेक्ट की डील की है और उसकी डील होगी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी डीलों को और सफल करूँगा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं देख रहा हूँ इसी समय एस नाम से, आर नाम से, जी नाम से, मैं देख रहा हूँ सूरज,
चंदा, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके नाम बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके फ्यूचर को खोलने के लिए जा रहा है। आपके एक साइड में किसी में पेन था और आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी का डैडी को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, मम्मी एडमिट है, और अब इसी समय आप यूपी से मुझे देख रहे हैं और दिल्ली से, नोएडा से मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके मम्मी डैडी को आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिले, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ, जल्दी से। मेरा नाम तारा भारती है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरी बचदानी में रसौली थी और संडे मीटिंग अटेंड कर रही थी। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि टी नाम वाले को रसौली जा रही है, रसौली जाए, गिल्टिया जाए, शुगर जाए। प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया और अनॉन्टिंग वाटर और ऑयल लगाई और सारा रसौली मेरी जा चुकी है। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, पापा जी को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस दवाई। आप देख रहे थे कि ये बहन बिहार से देख रही थी और रसौलियाँ थी इसको यूट्रस में, और देखो इसी समय जब प्रार्थना किया वो कैंसर वाली रसौलियाँ बाहर आ गई हैं। कैसे हो गया चमत्कार? ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज़ाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा पंजाब से, दिल्ली से, क्या राजस्थान से, पवित्र आत्मा जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर से, मलेशिया, दुबई, कतर, दुबई से, पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं पाकिस्तान से, क्या केरला से, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो इस हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जापान से, जो हांगकांग से देख रहे हैं इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इंडोनेशिया से मुझे देख रहे हैं, समझ लेना अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैंने हर साल आपके देश के लिए भविष्यवाणी किया है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे बोल रहा है कि इंडोनेशिया में अब बहुत बड़ी तरक्की आने वाली है अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। ये याद रखना, इंडोनेशिया से अगर कोई मुझे देख रहा है तो ब्रांच खुलवाने के लिए कॉन्टैक्ट करें। जिस दिन हमारी ब्रांच खुलेगी, आपके आपके काम खुलने लगेंगे, आपके देश में ब्लेसिंग आने लगेगी, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने लगेगा। ये परमेश्वर की ओर से होगा। इंडोनेशिया से मुझे कोई सुन रहा है और पवित्र आत्मा ने मुझे फिर कहा कि कोई ऐसा भूकंप आ रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई अभी क्या चल रहा है, जून जुलाई जुलाई, हाँ मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई अगस्त सितंबर में कोई इंडोनेशिया में फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई कहीं जगह पर कोई भूकंप आ रहे हैं। पवित्र आत्मा इसी समय सुरक्षित करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज़ दे और इसी समय संभाल कर रखे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा, जब मैंने प्रार्थना किया तो मैंने देखा एक क्रैश, प्लेन क्रैश हो गया और वो बहुत बुरी तरीके से हो गया। जितने लोग थे सब के सब फिनिश हो गए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो किधर हो गया। मैं ऐसे देख रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि प्रार्थना कर। मैं इसी समय उन सफ़र करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, के समय पवित्र आत्मा तूने मुझे ड्रीम्स में भी, तूने मुझे अभी भी पवित्र आत्मा दिखाया। मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी वो क्रैश होने से बच जाए और सुरक्षित करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तू दया कर, पवित्र आत्मा तेरी सफलता और सच में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर आने पाए, ये हाथ उनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज़ आने पाए परमेश्वर और आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए, आमीन। मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग लोगों के लिए इंडिया के अंदर खुशखबरी आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी। बुजुर्ग लोगों के लिए हो सकता है उनकी पेंशन बढ़ जाए, हो सकता है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ी फैसिलिटी आने वाली है। मैं देख रहा हूँ कि फाजिलका एरिया बहुत रिच होने वाला है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपके एरिया यूपी, लखनऊ बहुत रिच होने वाले हैं। आपके आसपास बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत बहुत कुछ आने वाला है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाला है, क्योंकि ये प्रभु का प्रेम है। जिन्होंने अब तक सहा है, मेहनत की है, परमेश्वर ने फल देने के लिए जा रहा है। गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। मैं गवाहियाँ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। जो गवाही देख रहा है एंड तक, उसके घर में वैसी ही ब्लेसिंग आ रही है। अगर कोई बीमार है, रिसीव करो, आज चंगाई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, ब्रांच से, मेरे गले में एक गांठ थी और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। मैं प्रेयर टावर फोन किया, पापा जी का लाइव प्रेयर रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल लगाया और मेरे गले की गांठ ठीक हो गई। मैं यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस दवाई।
आप देख रहे हैं कि दुबई से, वो कितना देख रहे हैं उसकी गर्दन को देख रहे हैं आप, दुबई से देख रही थी ऑनलाइन और हमारी ब्रांच में जा रही थी, जब प्रेयर किया गांठे गायब होगी। मैं फिर कह रहा हूँ किसी को गिल्टी गांठे रसोलियाँ कोई भी यूट्रस में प्रॉब्लम है या फिर कोई ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है या आपके कोई सर्वाइकल माइग्रेन है कुछ भी प्रॉब्लम, अपने सिर पर हाथ रखो। मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और इस कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं। इसी समय मैं उस शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कुछ हरियाणा से मुझे देख रहे हैं लोग और इसी समय कोई भाई है और वो बार बार कह रहा है कि उसको घर में बहुत गुस्सा आता है, काम करना चाहता है, तोड़ फोड़ कर रहा है अपने घर में और कोई उसकी फैमिली मुझे वाच कर रही है। मैं देख रहा हूँ पेवा से आप मुझे देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं, मुझे ऐसे देख रहे हैं आप करनाल से देख रहे हैं। होली स्पिरिट आपके जीवन में इसी समय वो ब्लैक मैजिक गायब कर रहा है। इसी समय निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम में और इसी समय सुरक्षित हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैंने देखा अभी ऐसे अंजू और कविता और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि आशा बहन, इसी समय परमेश्वर वो ब्लैक मैजिक तोड़ रहे हैं। आप 3 महीने के बाद बहुत सफल होंगे, हर काम में सफल होंगे। एक और गुड न्यूज़ के साथ, हाँ जी हाँ जी, गवाही देखेंगे। मेरा नाम रितिका हुआ और मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करती हूँ। 2021 से मैं मिनिस्ट्री में जुड़ी हुई हूँ। पापा बजेंद्र सिंह जी ने भविष्यवाणी करी थी कि मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो रही है और मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने जा रही है। RSHMNTKL से और डी से आपको गुड न्यूज मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया और आज मुझे गवर्नमेंट जॉब का एडमिट कार्ड आया है। मैंने रिसीव की और मैंने फॉर्म अप्लाई की देवघर का, तो देवघर सिविल कोर्ट का मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसी का मुझे एडमिट कार्ड आया है और 11 जुलाई को मेरा वहाँ पे इंटरव्यू है। तो मैं पापा जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। आप सुन रहे थे, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी तक अगर समझ में आ गया होगा, देख रहे हैं कि आप झारखंड से बहन थी और इसको भविष्यवाणी सुनने के बाद, प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर जो विश्वास के साथ बीज बोने, अपने भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, प्रभु जी तेरे कामों में बो रहे हैं इसी समय, खोल दे। तूने कहा उस लड़की को कि इफ्त है, खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो गई। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनकी सोई हुई आशीष उठ जाए आज यीशु मसीह के नाम में, और जाओ आज मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अनुग्रह से, जिसका नाम GNRSLPYF और GI से आपके गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज़ मिले, परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, एक अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से गवाही के साथ। मैं इसराइल से रोजी बोल रही हूँ। मैं 4 साल से प्रॉब्लम में थी, मुझे वीजा नहीं दे रहे थे और मैंने पेशियर सीट भी बोया, आपकी कलिशा से प्रार्थना भी करवाया। प्रॉफिट जी, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मुझे वीजा लग चुका है। यीशु नाजरी ने मुझे वीजा से ब्लेस कर दिया है और 1 साल के बाद मेरा PR आने वाला है। और यीशु मसीह को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। आप सुन रहे थे कि लोगों के, आपने सुबह से लेकर शाम तक गवाहियां सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, किसी की पथरियां जा रही हैं, गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, लोगों के वीज़े आ रहे हैं USA, कनाडा, इसराइल। आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। ये परमेश्वर, अपने सिर पर हाथ रखो। जिनके बार बार नुकसान हो रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके एक्सीडेंट हो रहे हैं बार बार, अपने सिर पर हाथ रखो। इसी समय वो नुकसान कराने वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम, एक्सीडेंट कराने वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलने पाए परमेश्वर, इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ किसी के पैरों में, एड़ियों में चोट लग गया है और आपको लग रहा है शायद मेरी हड्डी टूट गई है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप